स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के कारोबारी उद्यमियों को अभी तत्काल राहत नहीं मिलने जा रही। जानकार सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए के दूसरे आर्थिक पैकेज की तैयारियों में लगी, पर वह भी कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे इलाकों और नागरिकों के लिए होगी। असल में दुनिया की कई संस्थाएं आम लोगों, गरीबों और वंचितों पर कोरोना वायरस के संक्रमण की ज्यादा मार पड़ने की आशंका जता रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के आकलन के मुताबिक भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। तभी कहा जा रहा है कि दूसरा पैकेज भी गरीब, वंचित, हाशिए के लोगों, किसान और कुछ निम्न मध्य वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर घोषित होगा। जानकारों का कहना है कि सरकार इस समय उद्यमियों, कारोबारियों के लिए पैकेज नहीं घोषित करेगी, लेकिन उसकी तैयारी करके रखेगी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। सरकार वायरस का संक्रमण खत्म होने तक इंतजार करेगी, उस समय कंपनियों को बड़ी राहत की जरूरत होगी, खासतौर से छोटी और सबसे ज्यादा प्रभावित कंपनियों को। बताया जा रहा है कि लघु व मझौले उद्योग यानी MSME की जरूरतों को ध्यान में रखकर पैकेज तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी उद्योग यानी होटल, टूरिज्म, ट्रैवल आदि से जुड़ी कंपनियों के लिए सरकार पोस्ट लॉकडाउन प्लान तैयार कर रही है। तो यह लगभग तय हो गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ने वाला है। कई राज्य सरकारों ने खुलकर कह दिया है और संसद के दोनों सदनों के नेताओं से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने भी इसके संकेत दे दिए। ध्यान रहे पिछले कुछ दिनों से इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। लोग अलग अलग संकेतों के आधार पर अंदाजा लगा रहे थे कि लॉकडाउन 3 महीने के लिए हो सकता है, यानी 21 दिन के बाद लोग 70 दिन और लॉकडाउन में रहने का अंदाजा लगा रहे थे। पर अब लग रहा है कि सरकार दूसरे चरण में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा सकती है। हालांकि अब पक्का नहीं है कि 30 अप्रैल के बाद इसे नहीं बढ़ाया जाएगा, पर दूसरा चरण 30 अप्रैल तक जाने की संभावना है। इसका संकेत कई दूसरी बातों से भी मिला, जैसे भारतीय रेलवे ने निजी ट्रेनों में टिकट बुकिंग 30 अप्रैल तक रोक दी, यानी 30 अप्रैल तक उसकी यात्रा स्थगित है। इसी तरह कई विमानन कंपनियों ने भी अब टिकटों की बुकिंग 30 अप्रैल तक रोक दी है। इससे अंदाजा लग रहा है कि कम से कम सार्वजनिक परिवहन तो अगले 2 हफ्ते बंद रहने वाले हैं। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक समारोह पर 15 मई तक रोक की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और लॉकडाउन हटाने के बारे में उनकी राय जानेंगे। मुख्यमंत्रियों से पहले बातचीत में उन्होंने इस बारे में सुझाव देने को कहा था कि किस तरह से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर निकला जा सकता है। शनिवार की बैठक इसी की अगली कड़ी। राज्यों ने इस दौरान टास्क फोर्स बनाकर और विशेषज्ञों की राय के आधार पर अपने प्लान बनाए हैं, जो वे मुख्यमंत्री के साथ साझा करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 24 मार्च की रात को 8 बजे पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों से राय नहीं ली थी और न राज्यों ने इस बारे में प्रधानमंत्री से सलाह मशविरा किया था, तो लॉकडाउन खत्म करने से पहले इस बातचीत की क्या जरूरत आन पड़ी। प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को देश के नाम पहले संबोधन में 22 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके एक दिन बाद दिल्ली में सरकार ने 23 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। झारखंड, केरल और दूसरे कई सरकारों ने भी अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा की। इस दौरान कोई खबर नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्यों ने कोई साझा योजना बनाई। तभी ऐसा लग रहा है कि अब भी राज्यों के अपने हिसाब से फैसले करने देना ज्यादा बेहतर होगा। हर राज्य के लिए एक रणनीति नहीं हो सकती है। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में, जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर। सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू 21 दिन के लॉकडाउन के पहले 2 हफ्ते का सबक यह है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसका फायदा उठाकर जरूरी मेडिकल सुविधाएं जुटाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन से संक्रमण की रफ्तार धीमी हो सकती है या खत्म नहीं होगा। असल में लॉकडाउन में सरकार जिस तरह की उम्मीद कर रही थी वह पूरी नहीं हुई है। सरकार को उम्मीद थी कि लॉकडाउन लागू होने के बाद 2 हफ्ते में संक्रमण का आंकड़ा घटने लगेगा, पर 2 हफ्ते बीतते बीतते सच्चाई सामने आ गई। बीच में 1 या 2 दिन को छोड़ दें तो घटने का ट्रेंड स्थापित नहीं होता है, बल्कि हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सच्चाई को समझने के बजाय कई विशेषज्ञ ऐसे निकल आए हैं जो प्रवासियों और तबलीगी जमात के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ने लगे हैं। एक विशेषज्ञ ने तो कहा कि भारत में लॉकडाउन असल में 25 मार्च से लागू नहीं हुआ, बल्कि 28 या 29 मार्च से लागू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा के बाद 4 दिनों तक तो प्रवासी मजदूरों का रेला लगा रहा और दिल्ली व आसपास के राज्यों से बाहर निकलने वाले सारे हाईवे मजदूरों से भरे थे। सुदूर केरल से लेकर महाराष्ट्र तक प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे।
इस आधार पर कुछ जानकार बताने लगे कि वास्तविक अर्थों में लॉकडाउन के 2 हफ्ते नहीं हुए हैं। हालांकि वे इस तथ्य पर विचार नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री की ओर से घोषित लॉकडाउन भले 25 मार्च से शुरू हुआ, पर उससे पहले एक दिन 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू थी और अगले दिन यानी 23 मार्च से कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया। इस लिहाज से लॉकडाउन 22 मार्च से ही शुरू हो गया था और प्रवासियों के पलायन वाले मामले को छोड़ दें तब भी 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो गया। इसके बाद आती है तबलीगी जमात की बात। लॉकडाउन से पहले 2 हफ्ते में वांछित सफलता नहीं हासिल हुई है। यह बात कुछ हद तक सही है कि पिछले 10 दिन में वायरस संक्रमितों की संख्या में जो इजाफा हुआ है वह तबलीगी जमात की वजह से है। बुधवार को भी दिल्ली में कुल 93 मामले सामने आए, वे सारे तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के थे। बहरहाल चाहे प्रवासियों की वजह से लॉकडाउन का वांछित लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया हो या तबलीगी जमात की वजह से ऐसा हुआ हो, पर हकीकत यह है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर घटनी नहीं शुरू हुई है। ग्राफ नीचे गिरने की बजाय ऊपर जा रहा है, वह भी तब जब टेस्टिंग कम हो रहे हैं। भारत में विशेषज्ञ और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि देश के 400 जिलों में अब भी कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है, पर वे यह नहीं बता रहे हैं कि 400 जिलों में कितनी टेस्टिंग हुई है। हकीकत यह है कि हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो जिले वायरस फ्री बताए जा रहे हैं वे सचमुच वायरस फ्री हों। जब तक उन जिलों में पर्याप्त टेस्टिंग नहीं होती है तब तक कुछ भी दावा करना या उन जिलों को लॉकडाउन से बाहर करना खतरे को दावत देना है। ध्यान रहे, खुद सरकार हर जिले को निर्देश दे रही है कि वो अपने यहाँ कम से कम 500 बेड कोरोना के मरीजों के लिए तैयार रखे। फिर किस आधार पर इन जिलों में लॉकडाउन खोलने की बात हो सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि पलायन करने वाले प्रवासी और पहचान छिपाकर तबलीगी जमात के लोगों ने कितने लोगों को संक्रमित किया है, इसका आकलन भी कहाँ हुआ है। यह भी हकीकत है कि कम से कम 5 राज्यों में हालात बहुत खराब हैं। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने संक्रमण फैलने की दर यानी R0, जिसे RO भी कहते हैं, उसकी दर 1.4 तय की है। यानी अगर RO दर इतनी है तो हालात काबू में माना जाता है और इससे ज्यादा होने पर महामारी का अंदेशा पैदा होता है। इसी मानक के आधार पर 5 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में RO की दर इससे काफी ऊपर है। सो इन 2 हफ्तों का सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। सरकार को लॉकडाउन जारी रखते हुए जरूरी मेडिकल सुविधाएं जुटाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। 2 हफ्ते के लॉकडाउन का एक बड़ा सबक यह भी है कि लॉकडाउन के समय में प्रशासन को संभालना बहुत आसान है, लोगों को घरों में रोकना आसान है और संक्रमण को फैलने से रोकना संभव है। अगर सरकारें आंशिक रूप से भी लॉकडाउन को हटाने के बारे में सोच रही है तो सबसे पहले उसे यह विचार करना चाहिए कि क्या उसके पास इसकी तैयारी है। लॉकडाउन हटाने के बाद के हालात के लिए ज्यादा तैयारियों की जरूरत होती है। लोग जब सड़कों पर निकल जाएंगे तब व्यवस्था को संभालना आसान नहीं होगा, फिर पुलिस और प्रशासनिक अमले के काम बढ़ जाएंगे, जबकि इस समय जरूरत पूरी तरह से सिर्फ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सारी ताकत लगाने की है। सोचे अगर आंशिक रूप से भी लॉकडाउन हटा और संक्रमण तेजी से फैल गया तो क्या होगा। हकीकत यह है कि सरकार के पास डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE भी नहीं है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ICU, इमरजेंसी सेवाओं की तो बहुत ज्यादा कमी है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया TV की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।